बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप सबको इस चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बहादुर शाह जफर की आखिरी गज़ल जो उन्होंने कैद खाने में लिखी। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बहादुर शाह जफर जो कि 1775 में पैदा हुआ दिल्ली के मकाम पर और 1862 में उसने वफात पाई। जब अंग्रेज़ों ने उसे कैद कर लिया था तो वो परेशानी के आलम में वहाँ पे कैद खाने में उसने एक गज़ल लिखी थी और वो गज़ल कुछ यूँ थी। उसका मैं पहला शेर आपको इस तरह भी सुनवाता, ना किसी की आँख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको वो गज़ल सुनाने लगा हूँ जो कि उन्होंने कैदखाने में लिखी थी और बहुत ही परेशानी के आलम में लिखी। तो चलो नाज़रीन अब मैं आपको वो गज़ल सुना देता हूँ जो कि परेशानी के आलम में बहादुर शाह जफर ने कैदखाने में लिखी थी। अभी मैं आपको वो सुनाता हूँ। लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किस बात की बनी है आलमे ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। दिल के फफूले जल उठे, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर के चिराग से। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, दो गज ज़मीन ना मिली कोए दयार में, कोए दयार में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ऐसी ही पोइट्री से रिलेटेड वीडियोज़ हर रोज़ाना देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।